HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई क्रिकेटरों और बॉलीवुड स्टार्स को दाने दाने को मोहताज देखा गया है। ऐसी ही बदहाली की जिंदगी गुजरात के एक छोटे से गांव खार से निकलकर कभी क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले क्रिकेटर मुनाफ पटेल भी जी रहे हैं। भारतीय टीम में कभी स्टार बॉलर रहे मुनाफ पटेल आज जिस हाल में हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुनाफ पटेल ने देश के लिए काफी क्रिकेट खेली है। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने बचपन में एक मार्बल फैक्ट्री में 35 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी की। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुनाफ के क्रिकेट कैरियर की शुरुआत गांव के तेज बॉलर के रूप में हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन देश के लिए खेलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो एक गरीब परिवार से थे। उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि उनके पास क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। मुनाफ के पिता दूसरों के खेतों में काम कर घर का खर्च चलाते थे। मुनाफ अपने परिवार को इस गरीबी से निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया। कहा जाता है कि एक स्कूल टीचर ने उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने के लिए कहा था। टीचर ने मुनाफ को समझाते हुए कहा था कि तुम अपने खेल और पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन उनकी मुलाकात यूसुफ से हुई। यूसुफ ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बड़ोदरा लाया। मुनाफ ने युवराज धोनी और सचिन जैसे खिलाड़ियों के साथ खेला। आज मुनाफ अपने गांव में एक आम जिंदगी जी रहे हैं। मुनाफ ने गांव में हर किसी की आर्थिक मदद की है। मुनाफ ने बताया कि जब कोई उनके पास मदद मांगता है तो वे बिना कुछ पूछे उसकी मदद करते हैं।